स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ जहरीली शराब कांड पर किया धरना प्रदर्शन। श्रावस्ती भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद नसीम चौधरी के अध्यक्षता में अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौतों के मामले पीड़ित के परिवार जनों को मुआवजा देने योग शराब माफियों भाजपा नेता श्री ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर हंगामा किया। समर्थन में झूमकर एक माध्यम से डिजिटल धरना दिया। दौरान को सभी गाइडलाइन को पूरी तरह पालन किया गया। इस धरने को जूम ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन एक साथ जुड़े हुए थे। धरना के संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्रावस्ती मोहम्मद नसीम चौधरी ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार बनी शराब माफियाओं को बीजेपी के बड़े बड़े नेता समर्थन देने का काम करते हैं। रिपोर्ट भुजो अहमद श्रावस्ती। जिला अध्यक्ष जी, आज आपको आपके साथियों के साथ आपके घर पर नज़रबंद किया गया है, भारी संख्या में आप पुलिस बल देखने को मिल रही है, क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ कारण? माजरा ये है कि आज उत्तर प्रदेश में जहरीली पदार्थ को लेकर तमाम लोगों के घर उजड़ रहे हैं। लगातार इस जहरीली शराब को पीकर लोग लगातार मर रहे हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन आज आयोजित किया था इकौना तहसील में, जमनाहा में, भिंगा में। हम लोग कार्यकर्ता हमारे धीरे धीरे इकट्ठा ही हो रहे थे, तब तक यहाँ पुलिस बल सुबह से तैनात कर दिया गया और हम लोगों को यही नज़रबंद कर दिया गया। इलाज जी, आप ये बताएं कि जहरीली शराब पीने से अलीगढ़ में मरने वालों की संख्या जो है 108 हो चुकी है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा इसकी पुष्टि जो है 38 लोगों की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है ये हमेशा आंकड़े को छुपाती रहती है, चाहे कोरोना का आंकड़ा हो, चाहे जहरीली शराब का आंकड़ा हो, चाहे लूट की हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे रेपिड हो, सारे चीज़ के आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार छुपाना चाहती है। इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं महामहिम राज्यपाल को ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करके जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण के मुताबिक शराब कांड में अब तक 17 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, इसमें 5 मुख्य आरोपी सहित 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आप क्या मांग कर रहे हैं, क्यों आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी बचे हुए हैं, जो फरार चल रहे हैं, जो पुलिस के निगरानी में हो के भी गिरफ्तारी उनकी नहीं की जा रही है, उस पे कहीं ना कहीं शासन का हाथ है, तो हम चाहते हैं किसी भी हर हालत में उसकी गिरफ्तारी कर दिया जाए और उनको जेल में भेज दिया जाए।